हाय एवरीवन दिस इज आगाज फ्रॉम सीजन 14 और आप देख रहे हैं सेलेब मोड ओके नमक बोलना चाहूंगा आराधना को क्योंकि मेरी जिंदगी में नमक वहीं से आया है लेकिन सिचुएशन uh, ऐसी आती है आपको कोई ना कोई ग्रुप चूज करना पड़ता है खेलने के लिए दो टीम है तो आपको एक टीम में जाना ही पड़ेगा एंड uh, मुझे लगा कि श्रेया शायद मेरी आइडल मैच बन सकती है क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया वैसा साथ में एज ए कपल बट एक फील था अंदर से अब uh, स्टार्टिंग से ही मेरा रियल था कि मैं सोचा था कि रियल रहूंगा जैसा हूँ वैसा खेलूंगा एंड गुस्सा आया तो गुस्सा दिखाऊंगा प्यार आया तो प्यार बट uh, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया मुझे लगा कि मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा hey right so, जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे तिल्सिल uh, की जर्नी मेरी काफ़ी ज़्यादा मसालेदार रही है तो मैं इसको भेलपुरी बोल सकता हूँ ओके <laughs> okay. नमक बोलना चाहूँगा आराधना को क्योंकि मेरी ज़िंदगी में नमक वहीं से आया है एंड <laughs> uh, और uh, बाकी जो मटेरियल है uh, कहीं कही ना कहीं वो मेरे जो दूसरे थोड़े बहुत जिनसे दोस्ती हुई है <laughs> वो सब है बट uh, नमक ने बहुत हलचल मचाई है <laughs> <laughs> नमक से स्वाद भी आया और स्वाद से बाहर भी कर दिया नमक ने <laughs> okay. so, uh, जैसे कि uh, और भी कई इंग्रेडिएंट्स है तो कौन हो सकता है वो कितने सारे कंटेस्टेंट्स है तो आपके में कितने अच्छी बनी है आ, uh, मुझे लगता है कि uh, जो एक तीखापन जो होता है ना वो uh, मेरी लाइफ में शेयर रही है hmm. हाँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जिसकी नीड थी एंड yeah. uh, समझ में नहीं आया बट बाद में पता चला कि मोमीची का होना बहुत इम्पोर्टेंट था वरना भीलपूरी में टेस्ट नहीं आता सो <laughs> so, uh, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जर्नी रही है मेरी एंड uh, कहीं ना कहीं सबका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर uh, दोस्त बहुत कम बने एंड दुश्मन बहुत ज़्यादा बने और uh, जो अंदर मैंने रिश्ते बनाए थे अभी भी वैसे के वैसे ही है एंड एक दो लोगों से दोस्ती हुई है बाकी जो भी आपने शो में देखा वो आज भी वैसी ही है, काफी झगड़े हुए हैं जस्टिन और तारा के तो होते ही रहते हैं जैसे मतलब जब से तारा ने एंट्री लिया तब से देखे बट आपका हामद के साथ अच्छा खासा झगड़ा हो गया है तो उस झगड़े के बारे में मतलब, uh, यही था कि uh, मेरी लोगों से बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी बहुत कम दोस्त से बहुत कम लोग क्लोज थे एंड उसके बीच में क्या था ना कि कहीं ना कहीं दो ग्रुप्स बन गए थे और मैं दोनों ही ग्रुप का हिस्सा नहीं था लेकिन सिचुएशनज uh, ऐसी आती है आपको कोई ना कोई ग्रुप चूज़ करना पड़ता है खेलने के लिए दो टीम है तो आपको एक टीम में जाना ही पड़ेगा तो uh, जब मैं अगेंस्ट सुन के खेलने लग गया बहुत से बार तो क्या होता है ना कि जब आप खेलते हो तो uh, बीच में एक चिड़ाना होता है ये सब चीज़ें तो कुछ लोग जो बहुत पर्सनल जाते हुए मुझे दिखे जैसे कि हामिद मुझे लगा कि मुझे आ, पोक करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे वो जो एक ब्रेक वाला पॉइंट होता है ना वो मेरे लिए रहा है हमेशा एंड वो एक बार क्रॉस हो गया कोई मेरे तो बहुत मुश्किल है वो वापस से दोस्त बनना जिसके लिए बहुत टाइम लग गया तो ही है, बोला आपने। लेकिन और भी कई कंटेस्टेंट्स थे जिनके साथ आपकी दोस्ती भी हुई है बट सिर्फ इनके साथ झगड़ा हुआ है तो जिनके साथ दोस्ती हुई है उनके साथ कैसी मेमोरीज है आपके मेमरीज़ uh, बहुत ज़्यादा अच्छी है मगर uh, ये चीज़ बोलूँगा मैं कि अब जब गेम से मैं बाहर हूँ एंड लिटरली मैं मिस करता हूँ वो पार्ट uh, मुश्किल था वहाँ पे रहना लेकिन uh, याद बहुत आती क्योंकि करने के लिए कुछ होता नहीं तो दोस्तों से आपकी जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है एंड uh, आप साथ में खाना खाते हो उठते हो बैठते हो एंड बातें करते हो तो ये सब चीज़ों की याद मुझे आती है एंड मुझे ऐसे लगता है कि वो एक तरीके से मेरी एक ट्रिप थी मैं वेकेशन पर गया था एंड वो सब मोमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं अभी तो so, uh, अब तक मतलब आपने जो टास्क किए हैं या जितना भी आपने बेसिकली uh, कह सकते रोलर कोस्टर राइड थी जैसे मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स को भी पूछा तो उन्होंने भी सेम ही बोला बस आपका ही जवाब बहुत ही अच्छा था भेलपुरी वाला बट uh, जितने भी आपने टास्क किए उसमें से कौन सा टास्क वॉज योर फेवरेट एंड कौन सा डिफिकल्ट लगा फेवरेट एंड डिफ़िकल्ट वही टास्क था जिसमें मैं जीता था ड्रम वाला टास्क इट वॉज़ वेरी हार्ड एंड वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो एंड वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए और मुझे का लाइफ में अब तक जितना भी जो भी मेरी जर्नी रही है uh, कोई भी चीज़ मुझे बहुत जल्दी नहीं मिली है लेकिन मिला सब कुछ है स्लो स्लो तो uh, मुझे लगता है कि तभी उस चीज़ का मज़ा आता है और ये टास्क भी उस तरीके से था कि मुझे किससे मिलना है मैंने देखा नहीं है और बहुत मुश्किल से जीत के मैं जा रहा हूँ तो वो एक जो अंदर से था ना कि खुशी डबल हो गई थी कि अब मज़ा आएगा मैं कुछ एक्चुअल में लड़के और कुछ ऑन मुझे फाइनली मेरी ट्रॉफी मिलेगी तो इट वाज माय फेवरेट टास्क और मुझे लगता था जब वो टास्क हुआ था तो आ, सब लोग यही बात करते थे कि ये सेकंड थर्ड टास्क इतना मुश्किल है तो फिनाले कैसा होगा मतलब तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट टास्क वही था और सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा वही था सो okay. so, हर एक को मतलब आ, कंटेस्टेंट्स या किसी को भी मतलब अंदर इंट्यूशन तो होगा ही कि आइडियल मैच की जो वो जीत होती है वो पता करना है कि आइडियल मैच है या नहीं तो आपको कौन लग रहा था आइडियल मैच तो मैंने सोचा था मैं तो पाँच छः बार सोच चुका हूँ सबके साथ एंड मुझे लगा कि शेयी शायद मेरी आइडियल मैच बन सकती है क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया वैसा साथ में एज ए कपल बट एक फील था अंदर से कि शायद हो सकता है आराधना के साथ लगता था लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई तो फिर मुझे लगा नहीं शायद मैं गलत हूँ एंड बट uh, बहुत देर हो चुकी थी तब तक सो yeah. so, uh, जो मिस्टिफ मेकर आए थे बीच में फिर uh, उर्फी मूस, तारा सब आए तो उनके आने से कुछ ऐसे धक धक होने लगे कि अभी गेम पूरा पलट जाने वाला है या ट्विस्ट आने वाला है कुछ धक uh, धक तो नहीं हुई लेकिन ये पता था कि ट्विस्ट आएगा क्योंकि क्या है जब जब वाइल्ड कार्ड जाते तो uh, बहुत सारा नया कुछ लेके आते एंड uh, उनको कुछ नई चीजें पता होती है. तो गेम में जब आपस में लोग एक दूसरे से बातें करते तो हो सकता है क्या मैं आपको नहीं जानता हूं। लेकिन जो वाइल्ड कार्ड है वो आपको जानता है आपके बारे में चार बात मुझे पता चल गई तो ऐसी बातें होती रहती है एंड उसके बाद इक्वेशन चेंज हो जाते है तो यही चीज़ थी एंड जब जब वाइल्ड कार्ड आए तब, तब तब पूरा सब कुछ चेंज हो गया जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए कपल्स चेंज हो गए तो ये सब चीज़ें काफ़ी है तो उनके आने से बहुत डिफरेंस आया गेम में आपके हिसाब से मतलब आपका क्या जर्नी का था कि अभी मैं क्या करूँगा आगे गेम में ऐसा कुछ था अब uh, स्टार्टिंग से ही मेरा रियल था कि मैं सोचा था कि रियल रहूँगा जैसा हूँ वैसा खेलूँगा एंड गुस्सा आया तो गुस्सा दिखाऊँगा प्यार आया तो प्यार बट uh, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया मुझे लगा कि मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा मैं मजबूर हो गया दिमाग लगाने क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड uh, तो मुझे ये फील हुआ कि शायद मुझे अभी गेम के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर यही होता है कि आप दिल से खेलते हो लेकिन जब वोटिंग की बात आती है वहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं है तो आपको लोग ऑब्वियसली वोट आउट करेंगे तो मुझे लगा कि नहीं अब थोड़ी बहुत दोस्ती बनानी पड़ेगी जो मेरा सर्कल उससे बाहर निकलना पड़ेगा तो इट वॉज वेरी हार्ड जब आप कोई चीज करना नहीं चाहते हो आपको करना पड़े तो ये सबसे ज्यादा टफ पार्ट है सबसे ज्यादा झगड़े तो डोम सेशन में होते तो कौन से डोम सेशन की बात करना चाहेंगे आप कौन से भी उठा लो सब में झगड़े मेरे टफ वाला आने वाला है अब तक आया है, नहीं है अच्छा। हाँ टफ डोम सेशन आने वाला मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं इस गेम से आउट हूँ एंड uh, जो जो जितने टाइम मैंने स्पेंड की जितने दिन स्पेंड किया आई वो आई फील लाइक कि एक नया दिन मिला है तो कुछ नया करता हूँ मैं इसमें एंड uh, जिया हूँ मतलब पूरा हर एक दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया ये डर लेके नहीं था दिमाग में कि आउट हो जाऊँगा लेकिन जैसे जैसे गेम हार्ड होते गया लोग आते गए इस चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होते गई तो मुझे लगा कि अब शायद खतरा है एंड कहीं ना कहीं जब देख रहा हूँ मैं सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है तो मेरी दोस्ती उनके साथ इतनी अच्छी नहीं है तो किसको निकालेंगे मुझे ही निकालेंगे तो वो चीज़ मुझे बहुत बाद में आके फील हुई शायद आपको पता चलेगा बहुत जल्दी हाँ अभिमान दिस इज़ आगाज़ फ्रॉम सीजन रहता और आप देख रहे हैं मोड एंड लाइक uh, like करिए सब्सक्राइब करिए एंड अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि क्या है कि आप अच्छे दोगे तो भी हम बढ़ेंगे बुरे दोगे तो हम डिग्री पा देंगे सिंपल इस दैट